हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा हमने अपनी लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझा था कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री में जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आज हम इसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में हम जो हमारी एक्सरसाइज है 8.1 उसको सॉल्व करने से पहले, इससे पहले कुछ 3-4 एग्जांपल बुक में दिए गए हैं, तो इन एग्जांपल को पहले हम सॉल्व करते हैं तो हमें थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम कोई भी एंगल है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा उसमें पहला एग्जांपल दिया है कि हमें एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ए सी बी हमें ट्रायंगल दिया है जिसपे जो हमारा सी है वो समकोण है 90 डिग्री का है। ठीक है, और उसके बाद हमें दिया है कि जो ए बी है वो 29 है। ठीक है, इसमें इकाई करके दिया है जो यूनिट्स है। ठीक है, तो 29 यूनिट्स। उसके बाद है बी सी हमें 21 यूनिट्स दिया है। ठीक है, हमें ए सी को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने ए सी को फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो ये क्वेश्चन हमें बोलता है कि जो इसमें एंगल बनता है ए सी बी वो हमारा थीटा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक डायग्राम बनेगा जो हमारा ट्रायंगल है ए सी बी, और जो हमारा एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा ए सी बी ये वाला। ठीक है, सॉरी ये ए बी सी है, सॉरी, जो हमारा एंगल है ए बी सी वो हमारा थीटा है। तो ये क्वेश्चन हमें कहता है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। इसमें दो कंडीशन दी है, पहली हमें दी है कि कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है हमने ये निकालना है, और दूसरा हमें दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये दो फाइंड करने हैं और तीसरा हमें ए सी निकालना है। तो ए सी निकालने के लिए हम इसमें पाइथागोरस जो हमारी प्रमेय है उसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हम जो भी अगर दो साइड हमें दी हो तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम उसमें पाइथागोरस जो हमारी थ्योरम है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो हमारी होती है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मीन्स कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा शीर्ष लंब का स्क्वायर जो हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जो हमारे ये त्रिभुज है इसमें हमारे पास क्या क्या दिया है, हमें कर्ण दिया है और आधार दिया है। हमने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, शीर्ष लंब निकालना है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास दिया है पहले कर्ण, ठीक है, कर्ण की जगह है 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर। उसके बाद हमें आधार दिया है 21 का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। तो ये दो साइड्स हमें दी हुई है, ठीक है, करण दिया है, आधार दिया है, हमें परपेंडिकुलर शीर्ष लंब निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो ये 21 का स्क्वायर है इसको इस तरफ ले आते हैं, हमें 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब जो दोनों साइड है उनको चेंज कर देते हैं, तो ए सी स्क्वायर इस तरफ आ गया और 29 स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, ठीक है, ये इस तरफ आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें ए सी निकालना है, तो ए सी निकालने के लिए ये अंडर रूट में जाएगा, ठीक है,
हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो 29 का स्क्वायर निकालते हैं, 29 का जो हमारा स्क्वायर होता है हम इस तरह से निकाल सकते हैं, 29 18 और 8 26 जो क्या 58, तो ये हमारा आ गया 741। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, 9 × 9 81, एक आ गया 8 यहाँ पे, 18 और 8 26। ठीक है, उसके बाद 2 × 9 = 18, 4 × 1 = 5, 1 4 और हमारा ये 841। ठीक है, तो जो हमारा 29 का स्क्वायर है वो हमारे पास आया 841, और जो हमारा 21 है 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, जब हम 841 में से 441 को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 400, और जो 400 होता है उसका जो स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, वो 20 होता है। ठीक है, तो जो हमारा एसी है, एसी बराबर है 20, तो जो एसी है वो हमारा आ गया 20। तो दोबारा से देख लेते हैं कि हमने किया क्या। हमारे पास दो साइड दी थी, एसी दिया था करंट और आधार दिया था, हमने निकालना था परपेंडिकुलर। हमने इसमें पाइथागोरस जो हमारी थ्योरम में उसको यूज़ किया, करंट की जगह हमने 29 लिखा उसका स्क्वायर किया, ठीक है, और आधार की जगह हमने 21 लिखा उसका स्क्वायर किया, एसी हमें निकालना था। ठीक है, उसके बाद हमने एसी को एक तरफ कर दिया और बाकी दोनों टर्म को एक साइड कर दिया, उसके बाद हमने इसको स्क्वायर किया, ओपन किया और हमने इसको लेस किया, और जो हमारे पास आया हमने उसका स्क्वायर रूट निकाला, वर्गमूल निकाला। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ चुका है। अब हमें इसमें निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसने हमारे से पूछा है कि हमें इसमें कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो जो हमारा साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा निकालने के लिए हम लोग करते हैं BC/AC, मतलब जो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन करण होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है इसमें, AC/AB। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो AC हमारा है 20 और AB हमारा है 29, तो हमारा साइन आ गया। अब हमने निकालना कॉस, कॉस हमारा होता है जो कोसाइन थीटा होता है वो होता है हमारा आधार बटे करण, आधार इसमें कितना है BC और करण हमारा वही AB, तो जो BC है उसकी वैल्यू है 21 और जो आधार है वो है 29, मतलब जो करण है हमारा वो है 29। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि जो फर्स्ट हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें निकालना है कि ये कितना होता है। तो जो कॉस की वैल्यू है वो लिखते हैं 21/29 इसका स्क्वायर जमा साइन, अब साइन कितना है 20/29। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो सबसे पहले 21/29 इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 441/841। 29 का स्क्वायर हम अभी हमने निकाला है, उसके बाद है 20 का स्क्वायर होगा 400 और 29 का 841। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है हमारा वो सेम है, तो हम इसको डायरेक्ट ही ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 841/841, ये कट जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, जो इसकी वैल्यू आई वो आई वन। ठीक है, तो एक हमने पार्ट इसको सॉल्व कर लिया है, हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। अब इसके दूसरा पार्ट कहता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें निकालना। ठीक है, इसको निकालने के लिए सेम जैसे अभी हमने किया वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर, सेम वैल्यू जैसे पहले आई थी, 441/841 माइनस 400/841। अब वही जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसको डायरेक्टली लेस कर देंगे, 441 में से 400 जाएंगे 41 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दूसरे पार्ट का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमें दो साइड दी हुई थी, ठीक है, हमें करंट दिया था और आधार दिया था। सबसे पहले हमने पाइथागोरस जो हमारी थ्योरम है उसको यूज़ किया, और हमारा जो परपेंडिकुलर है शीर्ष लंब उसको हमने निकाला। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जब हमारे पास ये तीनों वैल्यू आ गई, ठीक है, उसके बाद हमें साइन निकाला। ठीक है, जो साइन निकाला हमने उसके बाद उसकी वैल्यू लिखी, फिर हमने कॉस थीटा निकाला उसकी वैल्यू लिखी। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन में गए कि क्वेश्चन पूछता गया है, तो हमने पहले पार्ट को सॉल्व किया, ठीक है, उसके बाद हमने दूसरे पार्ट को सॉल्व किया। तो इस वाले क्वेश्चन में इतना ही था। ठीक है, अब इसमें एक और एग्जांपल दिया है, उसको देखते हैं। इसमें जो अगला एग्जांपल है वो हमें बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, इसमें जो हमारा बी है वो हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, समकोण है, और ये बोलता है कि अगर टेंजेंट ए हमारा 1 है, ठीक है, तो हमने इसमें प्रूव करना है कि 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1 होता है, हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखते हैं हम किस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें ट्रायंगल बनानी है, ठीक है, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, तो बी इसने 90 डिग्री का बोला है, ठीक है, उसके बाद ये बोलता है कि टेंजेंट इसने दिया है, ठीक है, टेंजेंट, तो हमने सबसे पहले टेंजेंट देखना है, ठीक है, कि टेंजेंट हमारा होता क्या है। तो जो हमारा ये त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, इसमें हमने देखना है कि कौन सी दो साइड है जो टेंजेंट बना रही है, टेंजेंट क्या होता है, ठीक है, इसमें बी सी अपॉन ए बी मतलब आधार बटे शीर्ष लंब, ये है बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दी है 1। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे, हम लिखेंगे बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये बी सी इज इक्वल टू ए बी, ये हमें याद रखना है कि बी सी बराबर है ए बी के। उसके बाद बाकी को मिटा देते हैं, सिर्फ ये याद रखना है कि बी सी बराबर है ए बी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जैसा हमें पता है कि हमारा ए बी है वो बी सी के बराबर है, तो हमने इसको कोई नाम दे दिया, जैसे हमने इसको के नाम दे दिया, ठीक है, कि इसकी वैल्यू है वो के है, कि हमने माना है, इसको हमने एज्यूम किया, ठीक है,
और ये एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें पाइथागोरस जो हमारी टर्म है उसको हमने यूज़ करना है, ठीक है। हमने क्या निकालना है, करंट निकालना है, क्योंकि अब हमें ए सी की वैल्यू भी चाहिए। हमारे पास ए बी और बी सी की वैल्यू तो हमें पता है कि बराबर ही आएगी, ठीक है। हमने ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में करेंगे कि ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ए सी इज इक्वल टू ए बी और बी सी हमारा सेम है, के है, ठीक है। तो के का स्क्वायर जमा के का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया 2k स्क्वायर, एक और एक दो, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2k की 2 गुना k गुना k, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2 अंदर आएगा और k बाहर आ जाएगा, तो ए सी हमारा आ जाएगा k√2 इस तरह से। तो हमारा ए सी आ गया, ठीक है। ए सी लिख देंगे k√2 और इनको k लिख देंगे, ठीक है, या k लिख देंगे या 1 लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन बोलता है, अब हमें वो चीज़ प्रूव करनी है। क्वेश्चन हमें बोलता है कि हमें प्रूव करना है 2 sin a cos a = 1, हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर क्यों है, ठीक है, और है भी कि नहीं भी, हमने ये चेकअप भी करना है। अब हमारे पास तीनों साइड आ चुकी है, ठीक है। सबसे पहले हम साइन निकालेंगे, साइन ए, ठीक है। तो साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो साइन निकाल लेते हैं पहले, तो इसमें जो हमारा परपेंडिकुलर है उसको हम के भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। बट इसमें हमने के ही बोला है मानने के लिए, तो हम इसको पहले के लिख लेंगे, ठीक है। पहले हम लिख लेंगे कि ये होता है हमारा ए बी अपॉन ए सी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये ए बी लिख रहे हैं तो ए बी मीन्स आधार नहीं, आपने क्वेश्चन देखना है कि ट्रायंगल में हमारा आधार कौन सा है, ठीक है। लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, पी अपॉन एच, ठीक है। तो साइन निकालते हैं सबसे पहले, तो साइन हमें दिया है, परपेंडिकुलर हमारा के है और जो हमारा कर्ण है वो हमारा इस तरह से है, ठीक है। तो के से के कट जाएगा, ये हमारे पास आएगा 1/√2, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√2, हमने ये ध्यान रखनी है। अब हम निकालते हैं कॉस, ठीक है। तो कॉस ए, जैसे हमने साइन निकाला कॉस को भी हम वैसे निकालेंगे, ठीक है। जो हमारा कॉस होता है वो होता है आधार बटे करण, ठीक है। तो आधार इसमें बी सी है और करण हमारा ए सी है, तो फिर से वही के अपॉन के √2, फिर से वही, ठीक है। के से के कट जाएगा, तो जो हमारा कॉस है वो भी हमारा 1/√2 आया, ठीक है। और जो हमारा साइन ए था वो भी हमारा 1/√2 आया। अब हमने क्वेश्चन देखना है, ठीक है, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। हमारे पास दो साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये लिखें 2 गुना sin a की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे 1/√2 और cos a की जगह 1/√2। अब इसको सॉल्व करते हैं, जब हम √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा √4 और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो ये 2/√2 = 1, ठीक है।
तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो आ गई है राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, तो जो हमें ये क्वेश्चन दिया था वो हमने प्रूव कर दिया है कि दो साइन ए कॉस ए एक के बराबर होता है। ठीक है, हमने क्या किया था एक बार देख लेते हैं फिर से। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाई, ठीक है, जिसमें हमें जो हमारा बी था, बी पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कहा गया था, जो क्वेश्चन में पहले दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हमने जो हमारी दो वैल्यूज हमने के एज्यूम की, ठीक है, उनको हमने के माना, क्योंकि जो हमारा टेंजेंट था, टेंजेंट हमें दिया गया था, तो टेंजेंट की जो वैल्यू थी वो उसमें दी थी बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू वन। ठीक है, बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू वन, जिसकी वजह से जो हमारा बी सी था वो ए बी के बराबर था, तो मतलब जो हमारा आधार था वो हमारा परपेंडिकुलर के बराबर था। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम थे। हमने अब तीसरी जो साइड थी उसको फाइंड आउट करना था, तो हमने इसमें पाइथागोरस जो हमारी थ्योरम थी उसको यूज़ किया। ठीक है, उसको यूज़ करने के बाद हमने तीसरी साइड निकाली। ठीक है, जब हमारा तीनों साइड आ गई तो हमने सबसे पहले साइन ए निकाला, फिर हमने कॉस ए निकाला। ठीक है, और जो हमारे पास ये कंडीशन दी थी हमने इसमें दोनों की वैल्यू पुट की, और लास्ट में हमारे पास इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है, तो आज फिर इतना ही करते हैं।